अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जो हूँ जा रही हूँ हेयर कट करवाने के लिए। इससे पहले जो थोड़े से दो तीन दिन गुजरे थे, लाइक जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी उससे पहला जो वीक था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, तो इसीलिए आई वॉज़ नॉट इन द एनर्जी टू टॉक मच, इसलिए फिर मैंने इस तरह ही वॉइस ओवर डाल दिया। तो हेयर कट कराने के लिए मैं गई थी अलमेस पे, इट्स अ सैलॉन दैट इज़ सिचुएटेड इन मॉडल टाउन सी ब्लॉक, और उनका जो सैलॉन है वो सेकंड फ्लोर पे है। मैंने मैंगो शेक लिया रास्ते में एंड देन आई वेंट टू द सैलॉन। मैंने जो है वो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हेयर कट नहीं करवाया क्योंकि मैं बस थोड़ा सा यू नो डेड एंड जो थे उनको रिमूव करना चाहती थी। बाय द वे आई लव अलमेस के हेयर सर्विसेज एंड उनकी स्किन सर्विसेज, मुझे उनके फेशियल्स बहुत बहुत पसंद है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फेशियल्स आई हैड अब तक जितने भी सैलॉन्स में मैं गई हूँ। ओके सो आई एम बैक। पूरा व्लॉग अभी तक मैं नहीं बोली क्योंकि मेरी लिटरली हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की, पर फिर भी मैंने कहा मैं बता दूं कि कहीं लोग ये ना समझे कि शी इज़ जस्ट मेकिंग इट अप, बट आई एम लिटरली वेरी सिक, एज यू कैन सी माय आईज अंदर घुसी हुई हैं। तो बहरहाल आई एम ऑन दिस एग्रेसिव जर्नी ऑन यू नो मेकिंग माय हेयर ग्रो लॉन्ग। बस अब मैंने अपने बाल लंबे करने हैं और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये लिया इस जर्नी में कि अल्लाह जाने मैं ये कब तक सस्टेन कर सकूँगी कि मैंने हेयर कट करवाया। अगर आपके बहुत डैमेज है बाल तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक सही अच्छा सा फुल ब्लोन हेयर कट कराएं ताकि बिफोर यू वांट टू ग्रो योर हेयर और यू वांट टू रिवाइटलाइज योर हेयर, ताकि जितना भी डेड एंड है जितना भी डैमेज है वो सब कट जाए, ताकि आप उसके ऊपर जो मेहनत करें ऑयलिंग करें सीरम करें या यू नो ट्रीटमेंट्स वगैरह करें वो असरअंदाज तो हो। मेरा इतना डैमेज नहीं था क्योंकि मैंने केराटिन करवाई हुई है, तो उस वजह से मेरे बाल ऑलरेडी बढ़ ही रहे थे और डैमेज नहीं था। और काफ़ी अरसे से लाइक काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए अन इंटेंशनली, पहले मेरी कोई नीयत नहीं थी ऐसे बाल बढ़ाने की, लेकिन अन इंटेंशनली ही मैं जस्ट स्ट्रेट कट करवा रही थी पीछे से और करवाई जा रही थी और आगे से फ्रंट लेयर्स करवा रही थी, तो जिसकी वजह से मेरी जितनी भी यू नो बाल ऊपर नीचे थे लेयर्स करवाने की वजह से या स्टेप कटिंग करवाने की वजह से ओवर द ईयर्स वो सब ख़त्म होकर वन लेंथ पे आ गए थे। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यू शेप में ट्रिम करवाया है, स्ट्रेट था थोड़ा सा उसको यू कर्व दिया है ताकि थोड़ा सा पीछे से बाउंसी और वॉल्यूमनस लगे, और आगे से मैंने ज़रा थोड़ी सी ज़रा अपनी यू नो लुक देने के लिए, क्योंकि अब कटिंग करवाई है पैसे खर्च किए तो कोई लुक भी तो निकलनी चाहिए, तो आगे से मैंने फेस फ्रेमिंग और शॉर्ट लेयर्स करवाई हैं। अगर आप अपने बाल लंबे करना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे से स्ट्रेट या यू शेप कट कराएं और आगे से फेस फ्रेमिंग लेयर्स करवाएं बस, और तकरीबन 3 से 4 महीने मिनिमम 4 महीने तक तो आप रुकें फिर अपना दूसरा कट या दूसरी ट्रिमिंग लें, इसी को सस्टेन करें, इसी हेयर कट को बार बार करवाई जाए जब तक आप अपने बालों की यू नो लेंथ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप बाल लंबे करना चाह रहे हैं तो पीछे से लॉन्ग लेयर्स आपने नहीं करवानी, थिनिंग बालों की नहीं करवानी, स्पेसिफिकली कहना है हेयर ड्रेसर को जाके कि मेरे पीछे से लॉन्ग लेयर्स नहीं काटने। हाँ अगर आपके बाल लंबे हैं और आपके वैसे भी बढ़ जाते हैं तो आप लॉन्ग लेयर्स करवा लें। तो ये था मेरा छोटा सा टेड टॉक ऑन माई हेयर कट। फिलहाल आई एम रियली रियली लाइकिंग माई हेयर कट। तो मामा ने अपनी बीमार बेटी के लिए इतना मज़े का पास्ता बनाया है, थैंक यू मामा, जबरदस्त। इतनी चीज भाई घर पे ही डाली जाती है रेस्टोरेंट वाले। दिस इज डे 2 ऑफ द व्लॉग और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अब बातें भी करूँगी और व्लॉग भी करूँगी। सो दिस इज हाउ माई हेयर कट लुक्स लाइक आफ्टर ब्रशिंग इट फॉर गजिलियन टाइम्स। तो बहरहाल मैंने रामन नूडल्स मंगवाए थे क्योंकि मेरा बहुत दिल करता था कुछ चटपटा सा खाने को, और पता नहीं क्या है जो मैगी नूडल्स हैं और जो इकोनॉर नूडल्स हैं ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते थे, ऑलवेज मेक माय स्टमक गो अपसेट। तो जी फूड पांडा से आ गया है, अब मैं इसको खोलती हूँ और आपको फ्लेवर भी दिखाती हूँ। फूड पांडा के जो है ना डिलीवरी चार्जेस वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लिटरली दिल ही नहीं करता, दिल करता है कि बंदा खुद ही जाके ले। खोल लें जी अब इसको। दिस इज़ द नूडल्स, शूप कोरियन नूडल्स फायरी हॉट कार्बोनारा फ्लेवर, अच्छा 2x स्पाइसी थिक एंड थिक, मुझे ये वाला फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। जो रामन नूडल्स होती है ना उनकी जो ये सॉस होती है ना, सारा जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो इसी का होता है, तो मसाला चाहे जो उसके साथ आता है वो आप कम डालें पर ये सॉस आप पूरी डालें तभी वो टेस्ट बनेगा। दिस इज़ व्हाट मेक्स देम यू नो डिफरेंट फ्रॉम
रेगुलर मैगी और कनौर नूडल्स। मसाला है ना ये मैंने इतना सा डाल छोड़ दिया, मतलब पूरा नहीं डाला मैं कभी भी, अगर दूसरी मैगी नूडल्स भी यूज़ करूँ तो भी मैंने कभी भी पूरा मसाला नहीं डाला, बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत नमकीन हो जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट यू नो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाकी मैंने रख दिया। द नूडल्स और सॉरी रामन आर रेडी। मुझे लग रहा है कि सूप को मैंने ज़्यादा पका दिया है, पर कोई नहीं, इट स्टिल टेस्ट रियली गुड। तो आज हम जा रहे हैं मेरी फूफो की तरफ एंड दिस इज माई मेकअप लुक। यू गाइस टेल मी इन द कॉमेंट्स कि कैसा लग रहा है। मैंने इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल भी शूट किया है, सो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। आपको गुजरना है, अच्छा ठीक है। एंड आई होप कि इस गर्मी में और इस ह्यूमिडिटी में मेरा ब्लो ड्राई मेरे बाल देगा। मामा मैं आगे बैठ जाऊँ ताकि मेरे बाल ओके। सो दिस इज माई ड्रेस, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम सफायर। मेरे ज़्यादातर इस टाइम जो मैंने कपड़े खरीदे इस दफ़ा गर्मियों के लिए, दैट आर मोस्टली फ्रॉम लाइम लाइट एंड सफायर। दिस इज़ अ कॉर्ड सेट, ये पूरा जैसा ये है वैसा ही नीचे है। सो नाउ लेट्स गो एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग। मामा यू वांट टू कम इन माय व्लॉग। आज तो मामा भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। हेलो सो लेट्स गो। हम दो तीन गलियां ना भूले समझो, हम पुप्पो के घर नहीं गए, हम हमेशा गलत गलियों में जाते हैं। इधर हम ये गली ये गेट है बेसिकली, जिस वो भी गेट ये गेट की वजह से मैंने कहा ये गेट आ नहीं, बेसिकली जिस गली में जाए ना जिसमें लगे कि जाना है वो नहीं है, उससे अगली वाली है। ये डक उठा ले तो हम बिल्कुल ही भूल जाए। ये डक जो है ये हमारी जामिन है, ये है मेरी कजन जिसको मिलने के लिए दोनों एक दूसरे को पहले टिकटॉक तो बना लो। नहीं लेकिन पहले मैं बनाऊंगी। ओके तो ये रही मेरी कजन। हाय, इसको मैं मिलने गई थी लास्ट टाइम जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरी वजह से? हाँ बताओ अपने बच्चों की वजह से पड़ी है तुम्हें। मेरे बच्चे वो बच्चे ही वो जो मेरे हाँ जो मेरे कजन्स थे वो चीज चूज ले रहे थे, तो उसकी वजह से डांट मुझे पड़ी थी, तो मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बना सकी। तो क्या कहते हैं मम्मा कही तुम तो सिर्फ उसको मिलने के लिए जाती है और तुझे तो कोई लेना देना नहीं होता। हमारा प्यार ही हमारा बचपन का प्यार। बाय द वे हाँ बाय द वे इसका भी यूट्यूब चैनल है इकरा अली के नाम से, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। और उसका नाम है इकरा अली। इतना अच्छा सजाया, इतना अच्छा उठा उठा के लाई है हमारी भाभी स्लैश कजन। तुमने क्या बनाया इसमें से? सब कुछ मैंने बनाया है। सब कुछ तुमने बनाया है? ओ गॉड इतना सारा काम किया, अभी तो देख के खा के पता चलेगा। तो मैं अभी अपनी कजन के साथ डिस्कस कर रही थी कि तुम तमाशा देखती हो ना। Yes. तुमने वैसे पहले दो सीजन्स भी देखे हैं? हाँ, अच्छा मैंने पहले दो सीजन्स नहीं देखे, लेकिन ये वाला मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वाला बहुत मजे का है। हाँ हाँ मजे का है, पर आई गेस पहले वाले दो सीजन्स भी अच्छे थे जो मैंने देखा है, वो मेरे से एग्री कर रही हूं। अच्छा मैं तो पहली दफा देख रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बहरहाल तो मैं चाह रही थी कि हम एक छोटा सा तमाशा रिव्यू करें क्योंकि ये ज्यादा देखती है। तो अभी करंटली तुम्हारा फेवरेट कौन है घर में? मुझे वैसे कभी मुझे किसी दिन कोई पसंद नहीं होता, कोई पसंद आ जाता है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल मुझे अकील मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा मुझे अन्नम काफ़ी इनोसेंट लगती है यार, उस बेचारी के साथ इतनी इतनी बेइज्जती होती है वो बेचारी, उधर साइड पर खड़ी हो जाओ और वो यार मैं साइड पर ही खड़ी हूं और वो कहती है यार मेरी बात तो सुन लो, यार मेरी बात तो सुन लो। तो क्या कहते हैं उसकी बात ही नहीं सुनते, उसको काफ़ी लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे मुझे ये समझना कि गानियाँ गानियाँ क्यों इतना, आई डोंट लाइक गानियाँ एक्सेंट देखे। गर्ल्स आप यहाँ बैठे हैं, आप ये कर रही हैं, आपकी ड्यूटी है, आई डोंट नो कि उसका ये एक्सेंट किधर से आ रहा है। और साइमा, साइमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साइमा के बारे में ये ख्याल है कि हाँ वो काफी ज्यादा लोगों को तंग करिए, परेशान करिए अंदर, लेकिन कॉन्टेंट वो दे रही है। लेकिन आप ये भी देखो नाम क्या है, तमाशा तमाशा दिखा, ये तो है समझ आता है बट आई वो इतनी बूढ़ी हो गई है, नहीं वो काफी एज उसकी हो गई है, तो वो अभी कुछ दिनों पहले मैं सबकी एजेस देख रही थी, सबकी एज देख रही थी कि किसकी क्या है वो, और बाद में उसका पता क्या है थोड़ी बहुत नहीं 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 यार मैंने उसको मौला जट में देखा था, मौला जट को इतना भी टाइम नहीं हुआ, वो मौला जट में इतनी यंग थी, थोड़ी वन कह रहे हैं, लेकिन वो अब इतनी ज्यादा बुढ़ लगने लग गई है, उसने बहुत ज्यादा फिलर्स। हाँ है तो सबको आंटी आंटी बुढ़ी बुढ़ी कहती है, तो वो खुद मुझे इमान जी को कहती है, मुझे लगता है वो इतनी बड़ी तो नहीं है,
है ना, और सब लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मानी और इतने सारे लोग हैं, सब उसको इमान जी कहते हैं, जस्ट बिकॉज वो थोड़ी सी हैवी है। मुझे वैसे नुमान भी पसंद था शुरू शुरू में, क्योंकि वो मुझे बचपन से पसंद था उसके ड्रामास की वजह से, लेकिन वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वो बहुत भोला है, अय्याज बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा ही है, वो तो वैसे, बट ही इज वेरी इनोसेंट। अब थोड़ा सा फनी हुआ है, पहले इतना फनी नहीं था, थोड़ा बेचारा मुझे ना घबरा के बैठ लगा था, अब थोड़ा खुल गया। हाँ तो वैसे तुम्हें लगता कि ईमान जी को वापस आना चाहिए था? नहीं, मुझे एक चीज बहुत मुझे लगती है, जो कि उनका है ड्रेसिंग रूम, कि वो लोग सब लोग वहाँ पे बैठ के तैयार हो रहे होते हैं और मेकअप करते हैं कि एक दिन मैं भी यहाँ जाऊंगी और मेकअप करते करते लड़ाई करूँ। तो मुझे वहाँ से बाहर से अमेरिका से मुझे सपोर्ट करना, मैं स्टार्ट करूंगी, मैं जाऊंगी तमाशा घर में और मैं फिर ये परंपरा शुरू करूंगी, फिर ये जाएगी इंशाल्लाह, मैं जीत के आऊंगी मुझे लगता है। लेकिन मम्मा को वैसे मेरे पे भरोसा नहीं हो पाती, तुम मुझे तुम बहुत रोने लग जाओगी, तुम ये लोग हमें तो परेशान करते हैं, मम्मा ने भी यही बोला है। नहीं गाइस, ये लोगों को लगता है कि मैं बहुत भोली, मैं इन लोगों के साथ स्वीट और इनोसेंट हूं। मुझे कई बार लगती है, सबसे बड़ी बात है कि एंटरटेनिंग और रियल अपना दिखाना है कि तुम जो हो। ठीक है बाजी, मैं जा रही हूँ, ये अभी जो एलिमिनेशन होगी उसकी जगह मैं जाऊंगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर आप लोगों ने इसको इंजॉय किया, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाशा को मैसेज करें कि मुझे बुलाए। बाय बाय।